नोएडा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने एक ऐसे गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो सरकारी भर्तियों का पेपर लीक कराकर उन्हें मोटा मुनाफा कमाने के लिए बेचता था। अगर कोई परीक्षार्थी अपनी जगह दूसरे को बिठाने की बात कहता था तो ये गैंग उस परीक्षार्थी की जगह दूसरे को बिठाकर पेपर दिलाता था और उसके एवज में लाखों रुपए लेता था। पुलिस ने इस गैंग के पास से 9,15,000 रुपए नकद, 28 विभिन्न विभागों के भर्ती प्रवेश पत्र के अलावा भारी तादाद में मोबाइल फोन और 2 कारें बरामद की हैं। धराए हैं, उसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है, हम इनको जेल भेज रहे हैं और बाकी जितने लोग हैं इन सभी लोगों का प्रोफाइल हम चेक कर रहे हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें 3 जो अपराधी पकड़े गए हैं वो 3 का आर्मी से बैकग्राउंड है, मतलब ये लोग आर्मी में पहले काम करते थे। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों को इन लोगों के माध्यम से नौकरियां मिली हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए और संबंधित विभाग को अवगत कराया जाए। सर, अब तक ये लोग देखिए, जो पूछताछ हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं उसके आधार पे, जैसा कि आज ही एक एग्जाम होने वाला था हरियाणा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कॉन्स्टेबल JD का, उसका भी ये लोग टारगेट किए थे, उसके भी एडमिट कार्ड इन लोगों के पोजीशन से बरामद हुए हैं। उसी प्रकार राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम, बाकी एक नॉन टेक्निकल मल्टीटास्किंग एग्जाम SSC कंडक्ट कराती है, उसके एडमिट कार्ड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड्स, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्स के एडमिट कार्ड्स बरामद हुए हैं। और इन लोगों ने स्वीकार किया है कि जिस जो जो भी एडमिट कार्ड्स आपके पास हम लोगों के पास मिले हैं इन सभी तरह के एग्जाम्स में हम लोगों ने पहले लोगों को बिठा करके और दूसरे की जगह और उसके बाद पास कराया है। सर, अगर बात की जाए, बता दें कि नोएडा पुलिस ने जिन 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है वो अलवर गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। इस गैंग में युवाओं के साथ साथ 3 रिटायर्ड फौजी भी शामिल हैं, जो सरकारी भर्तियों के पेपर को आउट कराकर लाखों रुपए में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही थी। ये गैंग पिछले 2.5 सालों से सक्रिय है और इसने इन 2.5 सालों में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में अपना नेटवर्क फैला दिया था। ये गैंग एक सरकारी भर्ती के लिए 40 से 50 लाख रुपए तक लेता था। नोएडा पुलिस की माने तो इस गैंग में उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान के लोग भी शामिल थे। यही वजह है कि इस गैंग ने बड़ी आसानी से महज 2.5 सालों में 5 राज्यों में अपना नेटवर्क फैला लिया है और देखते ही देखते इसने इन 5 राज्यों में कई सरकारी भर्तियों का पेपर आउट कराकर लोगों को बेच दिए। इसके अलावा कई भर्तियों में दूसरों को बिठाकर परीक्षा भी दिलाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और उम्मीद है कि जाँच में और भी तथ्य निकल कर आएंगे जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी TV के लिए नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।